नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जेबा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मऊरानीपुर से, जहां पुलिस प्रशासन ने बदमाशों को साफ करने का मोर्चा उठा लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना के निर्देशन में बदमाशों की सफाई का अभियान जारी है। खबरों के मुताबिक झांसी के कटेरा थाना की पुलिस रात्रि में गश्त पर थी, जिस पर पुलिस को मुखबिर के मुताबिक कुछ बदमाशों की कशनीब गांव के पास पुलिया में संदिग्ध बदमाश की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस वहां पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी और एक बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर भागने की फिराक में था, हालांकि पुलिस ने उसे भी बंदी बना लिया। खबरों के मुताबिक ये बदमाश अंतर जनपदीय बदमाश है और दूसरे जनपदों में भी इनके ऊपर लूटपाट, डकैती, चोरी के आरोप थे और ये बदमाश महोबा के कबरी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट।